अच्छा, जा कहाँ रहे हो तुम लोग टिकटॉक बनाने? लोग जाए फैसल मस्जिद। हाँ फिर और दरबार पे भी जाओगे टिकटॉक बनाने? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। खैर, जिस तरीके से मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, सेम उसी तरीके से मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि यार आज लेट कैसे हो सकते हैं हम लोग। सहरी नहीं की, ठंडे पानी की बोतल उधर पास पड़ी की पड़ी रहेगी, नहीं पी पाए। खाना सारा का सारा इन्होंने उठा लिया, अजानी शुरू हो गई, आज का रोज़ा। अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह आप ही सब्र देना बगैर खाने के रोज़ा। आँख खुलते खुलते हो चुके हैं 3 और नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है ना बहुत ही लेट हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सहरी ना करने की वजह से ना, जो आई मीन सहरी तो ज़ाहरी सी बात है, सहरी नहीं कर पाए तो फिर नींद भी कुछ ज़्यादा ही आई है, जिसम में कुछ भी नहीं था तो सुकून से सोया हुआ था। टिकटॉकर्स को वैसे भी यकीन नहीं होता कि चिट्टे क्यों आ रहे हैं। सही बात है। अच्छा, जा कहाँ रहे हो तुम लोग टिकटॉक बनाने? कहाँ जा रही है? मैं कॉल दे देता हूँ, वहाँ लोग जाए फैसल मस्जिद। हाँ फिर और दरबार पे भी जाओगे टिकटॉक बनाने? अच्छा, दरबार पे अफतारी आज तुम लोगों की, वहाँ पे कोई ओके। अच्छा, आज के ये प्लान्स हैं। जो जो सुन रहे हैं इनकी मेन मेन लोकेशंस पे पहुँचो, जिस जिसने मैडम के साथ टिकटॉक बनानी है। नाने नाने लेके जाए बाथरूम में तुझे, हैं हैं अच्छा हुआ ऐसे लेट जाते ना। बताऊँ तो बाहर की शदीद धूप देख के दिल तो नहीं कर रहा बाहर जाने का, मतलब कुछ ज़्यादा ही शदीद वाली धूप है। कल मैंने शूज़ धोए थे और शूज़ खुश्क हो चुके हैं। शूज़ यार कसम से ऐसे लगता है बिल्कुल ब्रांड न्यू शूज़ हो गए। वैसे यार शूज़ धोने का बहुत आसान सा तरीका होता है, सिंपल यार, बाल्टी में डाल दो और सर्फ डाल दो और बाद में ना हिला जुला के निकाल दो, आपके शूज़ बिल्कुल ऐसे 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 बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। आज किचन में हम अकेले होंगे क्योंकि जो आतिफ साहब हैं थके हुए हैं और ये भी थका हुआ है, ये बस मुझे यहाँ पे बैठ के देख रहा है कि बंदा काम कर रहा है। और आज सारे के सारे काम मैंने खुद करने हैं अपने हाथों से, और हो सकता है व्लॉग की बहुत सारी चीज़ें आज मिस हो जाएं। तो फ़िलहाल तो आलू में भी पहुँचे हैं, आलू के लिए भी भाईजान को भेजा था क्योंकि मेरे में तो हिम्मत नहीं थी, बाहर वाली गर्मी देख के तो तबीयत तो वैसी गड़बड़ हो रही थी, तो अभी शुरू कर दिया। फ़िलहाल पकौड़ों का सामान तैयार हो रहा है और आलू वगैरह काटने शुरू हो गए, ये चीज़ें वगैरह थोड़ी सी रख ली हैं, तो देखते हैं आगे और क्या क्या बनाने का मुझे मौका मिलता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई फ्रिज में पड़ी हुई हैं, वही फ्राई करके दे देंगे। सर, आज के रोज़े में टोटल हमने कितने कदम उठाए हैं? 237, मतलब ज़्यादा नहीं चलना क्योंकि रोज़ा लग जाएगा और बस थोड़ा सा ही टाइम रहेगा। तुझे भी रोज़ा लग रहा है? तूने तूने चाय नहीं पी, तू ये सोच मैंने सिर्फ एक नवाला खाया। मैंने इसलिए थोड़ा सा अंडा तोड़ के ना खा लिया था कि एनर्जी रहे। मैंने टोटल एक नवाला लगाया, अंदर खाना देने गया, बाहर आया वापस, मैंने कहा ला भाई पानी, मैंने ठंडा यख अपने पास रखा हुआ भाई, ऐसी हालत थी सुबह, क्या ही बताऊं। ये दोनों तो खुश हैं, ये दोनों सही खुश हैं क्योंकि इन दोनों ने टका के खाना खाया हुआ था, और बल्कि वो हमारा वाला अंदर वाले रजाई में पड़ा हुआ है, इसके काम देख ये देख भाई जान को ठंड लगी हुई है, ठंड लगनी है ना, खा पी के सूर डंगरों की तरह पड़ा हुआ है। टांगे, अच्छा टांगे क्यों बाहर है तेरी? गर्मी हो रही है इसको। अच्छा तो सेंटर में ठंड है और नीचे और ऊपर गर्मी है। इसको रात को 1 बजे ना वो बाइक पे मागला रोड की सैर कराएंगे, टी शर्ट पहन आगे और वो चलाएगा भी ये भी सैर होती है मागला रोड।
अबे ना तेरे कमरे में एसी लगा हुआ है ना कुछ है, तो तू रजाई करके लेट रहा है। सर्दी लगी हुई है, भूख से। भूख से तेरे जिस्म में कुछ भी नहीं है, तेरा खून रुक गया है, जैम हो गया है, इसलिए तुझे ठंड लग रही है। मरने वाला है। मरने से पहले इंसान ठंडा नहीं होता भाई, गर्म हो जाता है। तुझे बड़ा पता मार के देखा तुमने? मैंने 2-3 बार मार के देखा। वेल इससे मारूंगा नीडल से। देखो आज पकोड़े भी अपन खुद बना रहे हैं, बहुत त्रोला है। आतिफ तुझे अल्लाह पूछेगा, एक एक भूखे बंदे से तू काम करा रहा है। मैंने कहा अल्लाह पूछेगा तुझे एक भूखे बंदे से तू काम करा रहा है सारा। आज आज तेरा काम बनता तू करता। यार तुझे फर्क नहीं पड़ता ना, तू इंसानों में थोड़ी शुमार होता है। क्या क्या बना रहा है? फिलहाल तो पकौड़े ही बन रहे हैं भाई। तो सिर्फ वो मैश्ड वेजिटेबल फ्रिटर बन रहे हैं। फ्लिटर्स क्या? फ्रिटर फ्लिटर फ्रिटर्स फ्रिटर्स बन रहे हैं, फिल्टर करके बना रहे हैं। शरबत नहीं बना? ठीक है भाई, शरबत बेगम राधा, बेगम राधा नहीं कहती वो, कुछ और ही कह रही होती है। सेब वो भाई चीज है जो कि हम लोग हर रोजे में काटते हैं और बेचारी वेस्ट में जाती है, बेचारा वेस्ट में जाता है, जाती है, जाता है, जाता है, जाता है, हाँ जाता है, क्योंकि इसको खाना किसी ने भी नहीं होता, लेकिन हम लोग वो ऐसे काट के डेली रखते हैं जैसे सवाब का काम है। अच्छा इसके मजे की बात ये, इस तरह मजा आता भी नहीं है इसको खाने में जब तक इसके स्लाइस ना काटो। मुझे इसका बड़ा दुख होता है, रोजाना होता तो मैं इसको खा लेता। वैसे ये स्लाइस बना के खाने का अपना। अच्छा बाकी इधर पास लाओ जरा, ये देखो चाट कलवली हम खाएंगे, कटलस पे आज मैंने बड़ी मेहनत की है, ये निकाले हैं फ्रिज से। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। नहीं नहीं बर्बाद होने वाले, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यहाँ पर वो सीन बनता है जितना करीब जाओगे उतना रोना। रोजे का शदीद वाला इंतजार करते हुए सारी की सारी भूखी आवाम, अफतारी का 6:30 हो चुके हैं, 32 मिनट हो चुके हैं, मेरी घड़ी 2 मिनट पीछे होती है, और हाँ 2 मिनट पीछे। तो बहरहाल ये सारों की हालतें हैं, सारे कोई ना कोई चीज़ देख रहे हैं, ये टिकटॉक देख रहे हैं भाईजान, ये भाईजान किसी बच्ची से बात कर रहे हैं, अच्छा फेसबुक देख रहे हैं, मीम्स वगैरह, ये भाईजान गेम खेल रहे हैं हमेशा की तरह, और ये भाईजान हैं। मैं सर कहता हूँ, मैं सर नहीं कहता, मैंने आज कुछ भी नहीं कहा, मुझे आज बहुत सारा सामान खाना है। पकोड़े, चटनी, कटलस, चाट, ग्लास जो हमने सर पे मार ले, और सॉसेजेस नहीं होता, ये सॉस होती है ना, ये सॉस, और भिंडिया जो सुबह मंगवाई थी, और एक नवाला खाया था मैंने, नहीं खा सके थे, और बाकी ये हमारा रहा, ये रहा, ये रहा, वही मैंने एक चीज़ भूल गया था, ये बल्कि फ्रूट है, और हम मैंने एक, हाँ ये इनको क्या कहते हैं, कौन से पॉप्स हैं ये? टेंडर पॉप्स हैं ये भी खाएंगे अपन आज। अच्छा पहले एकदम लगाने से ना गरम फील होगा, ये ना हो, पहले रोलर डाल दे, मुझे बताया मैं उस हिसाब से लगाऊं, अपनी तरफ से मैं फुल ठंडी करके लगा रहा हूँ कि वैसे गर्म ना लगे ना तो पकड़ता भी नहीं है ये सही। अच्छा ओ भैंस की दो, ओ सबर सबर सब, नीचे 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 नहीं नीचे नहीं जा, तू चुप रह, ओ भैंस की तो बहुत गर्म है ये, गर्म गर्म लगेगी तो तभी बाल भी निकलेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़, कलमाए शहादत, वो कुछ भी नहीं हुआ इसको है। मैं रो नहीं रहा, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं उतर गई।
सारी कोई दर्द नहीं हुआ, पता ही नहीं चला yes. इसको जोक्स अपार्ट चिकना हो गया। शक्लें इनकी देखो, अपनी देख, अपनी दुआ करो, दुआ दुआ। मेरी मेरी शक्ल आज बहुत मनहूस हुई है। मेरी अच्छी है। तेरी बहुत अच्छी है, मेरी मनहूस हुई है। दुआ करो मेरे लिए, शादी की दुआ करना है सारों ने, ठीक है। हसन तू आगे से हंस पड़ता है, जब भी मैं तुझे अपनी शादी की बात करता हूँ तुझे अपनी शादी याद आ जाती है। ये भाईजान ने तो कसम खा रखी है शेख रशीद के साथ के इन्होंने नहीं करनी, करनी अच्छा इन्होंने करनी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी कर रहा हूँ। जल्दी पैदा होंगे? कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हो, मुझे आज सुनाई सही नहीं दे रहा। खैर आज माजरत के साथ भाई लोगों, माजरत के साथ आज मैं ब्लास्ट होते हुए आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं उठ के वहाँ जाऊँ, आज मैं खुद ब्लास्ट हो जाऊँगा, मैं उठ के वहाँ जाऊँ। तो अभी हम लोग करेंगे दुआ और उसके बाद अटैक करेंगे और छुट्टी करेंगे। आज क्या टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।